छत्तीसगढ़ के सुकमा में 59 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें ज्यादातर नक्सली संगम सदस्य और जन मिलिशिया के कार्यकर्ता हैं। समर्पण करने वाले आरोपी नक्सली गगनपल्ली मणिकुंटा और डब्बा कुंटा इलाके में सक्रिय थे। पुलिस के मुताबिक इस साल की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है जहां पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां आए दिन नक्सली किसी न किसी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। इसी महीने नक्सलियों ने सुकमा में आईईडी ब्लास्ट कर एक एंटी लैंडमाइन वाहन को उड़ा दिया था। इसमें 9 जवान शहीद हुए थे। ये सभी नक्सलवाद छोड़ समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले हुए नक्सली हमले के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एंटी नक्सल ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। इससे पहले सुकमा पलूड़ी क्षेत्र में एंटी लैंडमाइन व्हीकल विस्फोट में 9 जवानों के शहीद होने के मामले में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया था और डब्बा कुंटा के 10 और मणिकुंटा के 1 लोगों ने जो जन मिलिशिया है इनके द्वारा सरेंडर किया है। सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि ये गांव वाले खुद ही स्वस्फूर्त यहाँ पे आए हैं और इन्होंने एर्राबोर थाने वालों से संपर्क किया और साथ ही साथ इन गांव में जो भी जन मिलिशिया थे उनको भी अपने साथ लेके आए हैं और सबों के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण कराया है और सभी गांव वाले ने और जो आत्मसमर्पित जो जन मिलिशिया के सदस्य हैं उनके द्वारा संकल्प लिया गया है कि सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इस क्षेत्र में जो नक्सल समस्या है उसको दूर करने में सभी एकजुट होकर काम करें।